राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द ना हम भूले हैं ना भूलेंगे। किस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर किस प्रकार से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया और 7 लोग शहीद हुए। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। और जो हमारे 7ों शहीद हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे राज्य निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और ये कसक हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी, कि हमने अपने अलग राज्य के लिए पुलिस के अत्याचार को सहा, अपने बीच के अपने स्नेहीजनों को, अपने पारिवारिक जनों को हमने खोया है। खटीमा की आज भी, क्योंकि जब हम यहाँ पर ये शहीद स्मारक के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, कई स्थानों पर जमीन की बात हुई, लेकिन अंततः यह जमीन सभी लोगों ने यहाँ पर सहमति प्रदान करी। और हम भी चाहते थे उस समय कि सबकी सहमति से ऐसा स्थान यहाँ के श्रद्धा स्थल के रूप में बनाया जाए, ऐसा जाना जाए जो सबके लिए आसान भी हो। और उत्तराखंड की जननी इस खटीमा की भूमि में जब भी वो आए तो उनको वो स्थान सार्वजनिक रूप से आसानी से सड़क के पास दिखाई दे, जिससे कि अन्य क्षेत्रों के लोग भी, उत्तराखंड से और देश से आने वाले लोग, निश्चित रूप से हमारे उन सभी शहीदों को ठीक प्रकार से अपने स्मरण में रखें, हमेशा उनकी याद करें। और हमारी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी भी हमेशा उत्तराखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वाले, अपनी शहादत देने वाले उन अमर शहीदों का स्मरण करें। तो इसलिए ये स्थान मिला और मुझे खुशी है कि सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हम बहुत लंबे समय से सोचते थे कि यहाँ पर एक शहीद स्मारक होना चाहिए और हमारे आंदोलनकारियों की भी लंबे समय से मांग रही। और आज ये लगभग लगभग शहीद स्मारक अपना विस्तार रूप ले चुका है। और वास्तव में जैसा आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे, कई बार आप में से मैं, अधिकांश लोग इस श्रद्धांजलि दिवस पर जब भी एकत्र होते थे तो हर बार बड़ी बारिश हो जाती थी, बारिश होती थी और इतना पानी भर जाता था। क्यों रामू भाई, बहुत पानी भर जाता था। गंगा कमलिन जी भी हमारे वहां से आते थे, खूब पानी भर जाता था, हम लोग भीग जाते थे। और कितनी बार तो आपको भी छाता उड़ा के मिले हम लोग। लेकिन आज ये स्थल यहाँ पर बनने से निश्चित रूप से, और आप सबकी यह भी मांग थी कि यहाँ पर जो है ये जो कार्यक्रम होता है, ये कार्यक्रम भी हमारा जो है सरकारी कार्यक्रम हो। और वैसे तो जब भी कभी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री किसी कार्यक्रम में आते हैं तो वैसे ही वो सरकारी हो जाता है, लेकिन ये विधिवत रूप से सरकारी हो गया है, विधिवत रूप से सरकारी हो गया है। जब भी मैं ये इस शहीद स्थल के पास से मैं निकलता था तो सच में उस समय का जो खतरनाक मंजर था यहाँ की सड़कों पर, कितने हजारों लोग
मुझे लगता है कई हजारों हजार जो लोग थे उनके ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, और बहुत सारे लोगों को तो अपने आप को बचाने के लिए मतलब देश की सीमाओं से भी बाहर जाना पड़ा। ये बड़ा बड़ा आंदोलन था, और यह त्याग भी, इसकी हम लोग जितनी भी जितनी याद करें, जितनी स्मृति करें, जितना स्मरण करें वो कम है। और खटीमा कांड ही जो है एक ऐसा कांड था जिसने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए सभी चीजें जो है तैयार की, राज्य का मन मानस बना, राज्य के लोगों के साथ साथ देश के लोगों का बना। और आज के अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं कि अटल जी ने हम सब की मांग पर देश के अंदर दो राज्य और हमारे उत्तराखंड के साथ बने, झारखंड और छत्तीसगढ़, लेकिन उत्तराखंड राज्य का भी जिसके लंबे समय से मांग थी, अटल जी ने अपने कालखंड में अपने प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य को स्थापित करवाया। मैं अटल जी का नमन करना चाहता हूं। मैं यह भी आज के अवसर पर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड और हमारा खटीमा, जो हमारे शहीद थे, उन शहीदों के सपनों के अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को बढ़ाने के लिए, यहाँ की एक कार्य संस्कृति, उत्तराखंड के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, जो हमारे शहीद बलिदानी सोचते थे, जिन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया, अपनी शहादत दी, अपने सर्वस्व लगाने का जिन्होंने काम किया, जो उनके सपने थे उन सपनों के अनुरूप राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में एक पल और एक क्षण रुके बिना लगातार हम फैसले ले रहे हैं, कुछ कठिन फैसले भी हम ले रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी समाधान करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक एक करके हमने बहुत सारे काम किए हैं। मेरे पाठक जी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बचपन में जब यहाँ स्कूल में पढ़ता था, आज के इंटर कॉलेज में, तब मैं पाठक जी को देखता था। पाठक जी हमारे यूनियन के नेता होते थे, यहाँ पॉलीप्लेक्स यूनियन और इंटर के थे उस समय, अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन थे। आपकी बहुत बड़े नेता के रूप में शुरू से प्रसिद्धि रही, तो बचपन से मेरे मन मानस पर छपा रहता था कि पाठक जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं यहाँ के। ये पाठक जी एक दिन अभी अचानक लोहिया हेड में मिलने के लिए आए मेरे से, तो मैंने इनका जिक्र आज तक के प्रोग्राम में भी किया, तो मुझे लगा कि पाठक जी अब चूंकि पता नहीं कुछ काम के लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, तो मैंने आपके पास जाकर कहा कि कैसे आए भाई साहब आज आप, तो इन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा मैंने तो कोई काम ऐसा किया नहीं कि आपने मुझे बताया हो, आप मुझे धन्यवाद किस बात का कर रहे हैं। तो बोले कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया कि आपकी भतीजी, मेरी बेटी, जो कई साल से एग्जाम दे रही थी लेकिन उसका नाम नहीं आ रहा था, आपने जो नकल अध्यादेश लगाया, जो आपने नकल का नया कानून बनाया, उस कानून के कारण से आपकी भतीजी को उसमें पास होने का अवसर मिल गया, उसका चयन हो गया, उसकी नौकरी लग गई। और ये जब से नकल अध्यादेश लागू हुआ, नकल अध्यादेश लागू होने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कई सालों से किसी न किसी परीक्षा में बैठते थे, उनका नाम नहीं आता था, कहीं दो साल से चार साल से परीक्षाएं दे रहे थे, कुछ की तो ओवर एज की ओर भी बढ़ रहे थे। अभी जिस समय हम ये नकल वाला अध्यादेश लगा रहे थे, उस समय मैंने भी नहीं सोचा था कि इसका इतना व्यापक असर होगा। आज मैं अनेकों स्थानों पर जाता हूं तो बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं। जो एक परीक्षा में पास हो रहा है वो दूसरी में भी हो रहा है, जो दूसरी में हो रहा है वो तीसरी में भी हो रहा है, और चौथी परीक्षा में भी पास होने वाले मुझे बहुत सारे बच्चे मिल गए, उनके माता पिता मिल गए। ये नकल का अध्यादेश लाना, इस पर कार्रवाई करना, ये कोई सामान्य काम नहीं था, एक कठिन काम था। इसमें बड़े बड़े माफिया मिले हुए थे, नकल माफिया,
पेपर माफिया और उनकी जड़ें बड़े गहरे तक थी। आपने देखा होगा जैसे ही हमने इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी, रावत जी 80 लोगों को अभी तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, 80 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और इस आधार पर किसी को नहीं पकड़ा गया कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी पहुंच बड़ी है, किसकी पहुंच है नहीं है। जो भी इसमें दोषी पाया गया और निर्दोष को किसी को छेड़ा भी नहीं, किसी निर्दोष को परेशान करने का भी काम नहीं हुआ, लेकिन जो भी दोषी पाया गया है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई इस पर हुई। इतना ही नहीं, जब हमने यह अध्यादेश लागू नहीं किया था, यह 80 लोग जेल चले गए लेकिन नकल का काम फिर भी कुछ ना कुछ शुरू हो रहा था, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा था, तो हमने इसके लिए पूरे देश के सभी राज्यों से जानकारी जुटाई कि सबसे कठिन कानून क्या हो सकता है इसमें जिससे नकल रुपए। तो भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पूरे देश का अध्ययन करने के बाद जब नकल का कानून लगाया तो नकल के कानून के लगने के बाद एकदम से हमारे प्रतिभागी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं थे, हमारे भाई बहन थे, उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और अभी तक 5.5 लाख लोगों ने विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में भाग ले लिया है, क्योंकि अब सबको विश्वास है कि जो भी एग्जाम होगा, जो भी परीक्षा होगी, वो पारदर्शिता के आधार पर होगी, निष्पक्षता के आधार पर होगी, जिसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, अब उसको कोई भी परीक्षा में पास होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि अब ना तो पेन ड्राइव से नकल होगी, ना पर्चा लीक होगा, ना कोई पेपर छापने वाला पेपर आउट करेगा, ना कोई प्रश्न पत्र जहां बनते हैं वो प्रश्न बैंक लीक करेगा, क्योंकि हमने इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान कर दिया है। इसके साथ साथ जो बच्चे पहले से, हमने सबको कहा है कि कोई भी नकल वालों के चक्कर में आप कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ोगे तो 3 साल का डीबार हो जाएगा और दूसरी बार पकड़े जाओगे तो 7 साल के लिए फिर किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाओगे। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, लगन से लगे रहोगे, अच्छी तैयारी करोगे तो आपकी आपका नंबर अवश्य आएगा और ईमानदारी से बच्चों का नंबर आ रहा है। इस प्रकार से आपने देखा होगा भ्रष्टाचार को लेकर हमने लगातार पिछले आप 1 सालों का 1.5 सालों का आप पूरा आकलन करेंगे तो छोटा होगा कोई बड़ा होगा, अनावश्यक रूप से नहीं, लेकिन अगर कहीं पर कोई सही मायने में भ्रष्टाचार कर रहा होगा, कहीं जनता को परेशान कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ भी हमने सख्त कार्रवाई की है और अनेकों अनेकों ऐसे मामलों में हमने सस्पेंशन से लेकर जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो सारी कार्रवाई हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय है उत्तराखंड के हम शहीदों के, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के अनुरूप इस राज्य के अंदर एक कार्य संस्कृति को विकसित करें और इसमें हमको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद और उनका समर्थन है। उन्होंने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को लागू किया है, एक नया कार्य व्यवहार लागू हुआ है। आप देखते होंगे एक समय था हम देखते थे कि कोई भी अखबार का दिन ऐसा नहीं होता था, अखबार उठाते थे तो आज यहां घोटाला हो गया, आज वहां घोटाला हो गया, लेकिन पिछले 9 सालों में जिसमें आदरणीय अजय भट्ट जी हमारे मंत्री हैं, उस सरकार का एक भी ऐसा मामला नहीं आया है, कहीं कोई जो है भ्रष्टाचार का कोई प्रकरण नहीं आया है। ये देश के अंदर नई कार्य संस्कृति है और आज भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल हो रहा है, दुनिया के समृद्ध देशों में, और कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से हमारे देश के लिए पूरी दुनिया के लोगों की एक श्रद्धा पैदा हो रही है,
ये श्रद्धा ऐसे ही पैदा नहीं हुई है। हम जो शुरू से कहते थे, हमारे शास्त्र कहते थे, अयम निजम परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैवं तु कुटुंबकम्, यानी कि छोटा है ये, बड़ा है ये, तेरा है ये, मेरा है, ये हमारी संस्कृति नहीं कहती है। हमारी संस्कृति कहती है कि जो उदार मन के लोग हैं उनके लिए तो सारा संसार अपने घर जैसा है। और हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को ये दिखाने का काम किया है। कोरोना महामारी में जब लोग वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे थे, वैक्सीन बन नहीं पा रही थी, ऐसे समय में भारत की सरकार ने अपने यहां भी वैक्सीन लगाई, 200 करोड़ से भी ज्यादा डोजें भारत के लोगों को लगाने के बाद दुनिया के 120 से भी ज्यादा देशों को भारत की स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया। उसके कारण से दुनिया के अंदर भारत के प्रति श्रद्धा का भाव है कि भारत किसी को दबाकर, किसी को कुचलकर, रक्षा मंत्री जी जानते हैं, कभी भी भारत की सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया है। जब विश्व की संपन्नता हो, भारत उसमें अपनी संपन्नता देखता है। ये नया देश बन रहा है। आज G20 की हमको अध्यक्षता मिली है और G20 की अध्यक्षता में ऐसे समय में मिली है जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे समय में जहां G20 का सफल आयोजन हुआ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आज इस शहीद स्मारक से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे छोटे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन हमको G20 की बैठकों को जो है आयोजन का अवसर देने का भी उन्होंने हमको जो है ये अवसर हमको प्रदान किया है। और तीनों ही बैठकें शानदार हुई। इस बार का ये हमारा स्मरण दिवस, ये श्रद्धांजलि दिवस, इस दिवस पर मैं मातृशक्ति को भी नमन करना चाहता हूँ। अभी रक्षाबंधन का पर्व हमारा हुआ है, इस बार रक्षाबंधन का पर्व भी हमारे लिए विशेष है। विशेष इस महीने में मातृशक्ति जहां अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है, उसके मंगल की कामना करती है, उसके दीर्घायु होने की कामना करती है, वहीं इस बार हम धरती को अपनी माँ कहते हैं और चंद्रमा को मामा कहते हैं, चंदा मामा। उस चंदा मामा में भी धरती माँ से चंद्रयान 3 के रूप में रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन भेजने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया। पहले कहते थे हम चंदा मामा दूर के, यही कहते थे ना बचपन में हम लोग कविता, क्यों अशोक दा क्या कहते थे, चंदा मामा दूर के। और गोपाल दा भी हमारे आ गए हैं, गोपाल दा का भी चंदा मामा दूर के। अब चंदा मामा दूर के नहीं है, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं और चंदा मामा हमारे घर के हो गए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारी मातृशक्ति का। आपने देखा होगा हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारी जो मातृशक्ति है वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी। जब चंद्रयान लैंड होने वाला था, इसरो के संस्थान में बैठी हुई थी और बड़ी संख्या इस बार मातृशक्ति की उसमें रही है। तो निश्चित रूप से आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान, भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भारत का हर क्षेत्र में आप एक इंतजार किया जाता है कि भारत का इसमें क्या रूप होने वाला है। भारत आने वाले समय में जो हमारे शहीद, हमारे आंदोलनकारी जो सपना देखते थे उत्तराखंड हिंदुस्तान का ऐसा राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे उन आंदोलनकारियों का सपना भी सच साबित हो रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन रहा है, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। और ये जो अमृतकाल प्रारंभ हुआ है, इस अमृतकाल को हम कह सकते हैं कि ये हम सबके लिए कर्तव्य काल है। यानी कि हमें अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, हर प्रकार से उनको, उन दायित्वों को पूरा करना है जो दायित्व हमारे जीवन में हमारे सामने हैं। सौम्य होकर, सौ मोटो लेकर हमको उन सभी कामों को करना है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अपने शहीद आंदोलनकारियों को नमन करते हुए, हमारे रावत जी ने भी मुझे कुछ ये
उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच की तरफ से ज्ञापन दिया है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। आप सबकी तरफ से भी मुझे मिला है कई सारी चीजें, इसमें एक समान पेंशन पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा पेंशन बढ़ाने की बात हो, वह भी हमने पीछे की है, आगे भी उसको जो है हम लोग उसका भी आकलन करेंगे। और साथ में जो 10% क्षतिज आरक्षण है, ये मंत्रिमंडल ने इस पर निर्णय कर लिया है और हम इस बार के मानसून सत्र में कोशिश करेंगे कि ये विधेयक के रूप में बन जाए। ऐसे बहुत सारे आपके जो प्रस्ताव मिले, मैं उन सबको लेके जा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आज खटीमा भी हमारे खटीमा के जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे शहीद हैं, उन सबके सपनों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे काम आज जिनके बारे में खटीमा क्षेत्र में आरणी सांसद जी ने हम लोगों के साथ जितना मिल के यहाँ पर हमने जो एक बाईपास यहाँ बन गया, आप देखते होंगे, और इतना अच्छा लगता है जब मैं पिथौरागढ़ जाता हूँ, जब मैं चंपावत जाता हूँ, जब मैं नेपाल के लोगों से मिलता हूँ, तो कहते हैं कि पहले हमारा 1 घंटा ज्यादा लग जाता था। हम दिल्ली जाते थे, हरिद्वार जाते थे, देहरादून जाते थे, अब 1 घंटा कम हो गया उनका। हमारे जो आज मैं दैनिक जागरण अखबार की न्यूज पढ़ रहा था कि इस साल के लास्ट तक या जनवरी माह तक हमको जो नया बस अड्डा यहाँ बन रहा है, वो नया बस अड्डा हमारा पूरा हो जाएगा तो एक स्थान पर 50 से भी ज्यादा बसें ISBT की तर्ज पर हमारे खटीमा से यहां से चला करेंगे। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम, उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। सेंटर स्कूल जो एक सपना था, शायद हमारे शहीद आंदोलनकारी सोचते होंगे कि खटीमा में शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काम हो, तो यहां पर सेंटर स्कूल का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे जनजाति बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय यहाँ पर संचालित हो गया है। सरकारी अस्पताल हमारा बहुत तेजी से लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है। ऐसे अनेकों कार्य, मिलिट्री के CST कैंटीन हमारी यहाँ पर, उसके सैनिक मिलन का जो पैसा है वह धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। तो सारे काम, अब मैं इसमें विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको ये संकल्प लेना है कि खटीमा के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, हमारे बलिदानी, हमारे आंदोलनकारी, जो सपना देखा उन्होंने, जिस अपेक्षा के साथ, जिस आशा के साथ, जिन सपनों के साथ उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने जीवन को लगाया है, हम संकल्प लेते हैं इस अवसर पर कि हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाएंगे, हमारे खटीमा को आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक बार मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।